उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का समापन हो चुका है और इस समापन के बाद भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ बड़ी पार्टी उभर के सामने आई है। अब हम बात करने बनारस के उस पप्पू की अड़ी पर आए हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने शक्ति प्रदर्शन के दौरान यहीं पे आके चाय पिए थे। पहले उन्हीं से हम बात करते हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री को चाय पिलाया था, उनको कितनी खुशी है। जी पहले योगी जी और मोदी जी को जिंदाबाद। जी कितनी खुशी है? खुशी तो इतनी है कि हम अपने दुकान की लाज बचा ली, आठों की आठों सीट पहले हमने बोला था, आठों सीट हमने निकाल ली। आप ही के दुकान से पूरा मंथन होता है जी, बड़े बड़े नेता आके बैठे पूरे चुनाव प्रचार में। आज जीत के बाद प्रधानमंत्री चाय भी पिए थे। प्रधानमंत्री जी हमसे पापा से वादा किया था कि हम आपके यहाँ दुकान पे चाय पियेंगे, अपना वादा पूरा किया और ये सबसे बड़ी बात है। जनता के बीच में जो वादा किया, जनता के बीच में तो आराम, जैसे जनता के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में आराम से बैठ के चाय पिए, ये सबसे बड़ी हम लोग के दुकानदारों की हम लोग की सबसे बड़ी खुशी का थी। तो चलिए अब इस चाय के बाद अब हम आते हैं उन लोगों के बीच में जो पूरे चुनाव में इस दुकान पे चर्चा हुई और भारतीय जनता पार्टी के उन साथियों को लेकर भी तमाम चर्चाएं इस दुकान पे हुई। आज हम बात करेंगे उस पर। सर, बुलडोजर और योजनाएं भारी पड़ गई पूरे पर। देखिए, बुलडोजर योजना जो योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं, वो तो अलग सवाल है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में मोदी योगी का कोई विकल्प नहीं था, उनके नेतृत्व के आगे सारे के सारे नेतृत्व भौने पड़ गए थे। उनका नेतृत्व बड़ा था और उत्तर प्रदेश का ये सौभाग्य है कि योगी जैसा एक ऐसा नेतृत्व उत्तर प्रदेश में मिला जो भावी समय में देश के साथ जुड़ सकता है। और मोदी और योगी के डबल नेतृत्व में, डबल सरकार की बात कर रहे थे ना, मैं कहता हूँ कि डबल नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश में कायाकल्प कर दिया, इतिहास बना दिया। 37 सालों बाद सरकार दोबारा लौटी है और मुझे लगता है कि 2024 में इस चुनाव की जीत ने 2024 में मोदी सरकार के पुनर्वापसी का रास्ता प्रशस्त कर दिया। और मैं फिर आपसे आज कह रहा हूँ नोट कर लीजिए कि 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा, 30 उत्तर प्रदेश के चुनाव के जीत ने फिर मोदी सरकार को 80 में से 75 सीटें देंगी और 350 से ऊपर सीटें लोकसभा में मोदी के नेतृत्व में फिर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। क्योंकि जो शक्ति मिली है डबल नेतृत्व की, डबल नेतृत्व मिला और डबल नेतृत्व हमेशा विजयी बनाता है, ये बहुत बड़ा। 80-20 की जो बात हुई थी सर, क्या वो उस पर कायम रही? अरे 80-20 आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है? 80-20 क्या, 80-20 तो एक तरह से एक प्रतीक था ना। सवाल 80-20 का नहीं है, सवाल इस देश में 80% गरीब जनता जो है, अभावग्रस्त जनता है, उनको उत्थान करने का, उनके कल्याण का। और मोदी ने और योगी ने जो गरीब जनता है इस देश की, मैं प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, इस देश की गरीब जनता का जिस तरह से सशक्तिकरण किया है, आपको याद होगा कि राजीव गांधी ने क्या कहा था, 1 रुपए में 15 रुपए पहुंचता है, 1 रुपए में 15 पैसा पहुंचता है। इस सरकार ने तो अद्भुत काम कर, 1 रुपए का 1 रुपया लोगों को पहुंच रहा है, इससे बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन क्या हो सकता है। भ्रष्टाचार रुका, आतंकवाद रुका, एक भी बम विस्फोट नहीं हुआ, मोदी का नेतृत्व वैश्विक हो गया। उससे आप यूक्रेन और रूस के लड़ाई में कौन सबसे अधिक दुनिया में पूछा जा रहा है, मोदी जी आइए बचा लीजिए, मोदी अमेरिका भी को कह रहा है बचाने के लिए, यूक्रेन भी कह रहा है बचाने के लिए, रूस भी कह रहा है, इससे बड़ा भारत का सौभाग्य क्या हो सकता है। देख, सशक्त नेतृत्व भारत में आया है योगी मोदी के रूप में, जिसने 8 सालों में अपना करिश्मा दिखाया है और अब तो उनके साथ योगी का भी करिश्मा जुड़ गया। तो योगी और मोदी के करिश्मा ने भारत को ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प दिखाया इस चुनाव में। ये दोनों लोग क्या लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी किस एजेंडे के साथ जनता के बीच जाएगी, कार्य करेगी और कुछ नया निकल के क्या प्रदेश से बाहर आएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ये बताया कि अपना भाषी से काम नहीं चलेगा, जो काम करेगा वही देश पे राज करेगा। ये लोग कोई एक्स वाई कर रहा था, कोई एम वाई कर रहा था, और मोदी का नारा था कि A to Z हमारा है, हमें जान से प्यारा है। उन्होंने जो भी योजनाएं लाई, अंतिम आदमी के विकास की योजना थी, चाहे उन्होंने घर दिया, चाहे अन्न दिया, चाहे वैक्सीन लगवाया उत्तर प्रदेश में, चाहे आयुष्मान योजना दी, चाहे शौचालय दिया, उसमें हमने हिंदू मुसलमान सिख पठान नहीं देखा। और उत्तर प्रदेश में जहां अपराध का राजनीतिकरण कर दिया था समाजवादी पार्टी की सरकार ने,
उस अपराध के राजनीतिकरण को रोकने का काम किया। नेताजी उत्तर प्रदेश में गायत्री प्रजापति मंत्र का जाप किया करते थे और उस गायत्री प्रजापति को जेल के शिकंजे में हमने भेजा। मुख्तार अंसारी जिसे महात्मा गांधी मानती थी समाजवादी पार्टी सरकार, हमने बुलडोजर से उनकी गुंडई को जमींदोज करने का काम किया। और इसके चलते विपक्षियों ने नारा दिया बुलडोजर बाबा का, तो वह बुलडोजर बाबा उत्तर प्रदेश में सबकी संपत्ति को आप्त करेगा जो गुंडई से हासिल संपत्ति है, और सारे गुंडे जेल के अंदर रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए जीत के बाद जिस तरह से बुलडोजर की तस्वीरें आई, जश्न में लोग बुलडोजर लेकर जश्न मनाते दिखाई दिए। जल्दी से हम और लोगों का रिएक्शन भी ले रहे हैं, सर क्या कहेंगे बीजेपी की जीत? देखिए चुनाव शुरू होने से पहले ही जब योगी जी ने कहा कि 80-20 की लड़ाई है, तो उसको समाजवादी पार्टी ने अपने हिसाब से कहा कि 20% मुसलमानों के खिलाफ है, 80% हिंदुओं की बात कर रहे हैं विपक्ष के तमाम लोग। लेकिन उसी समय योगी जी ने काम स्पष्ट भी किया और जनता ने भी स्पष्ट कहा कि 80% गरीबों की लड़ाई है, 20% जो देश में अमीर हैं मध्यम वर्गीय हैं वो अपनी जगह है, लेकिन हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जो उत्तर प्रदेश में विकास का काम कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश में काम करने वाले हैं और कर किए हैं और जो करेंगे, वो 80% जो गरीब हैं, 80% जो किसान हैं, 80% जो पिछड़े हैं, 80% उनके लिए काम करना काम हो गया हम सब पे। सर आप क्या कहें? सब योगी और मोदी जी का करिश्मा है, इन लोगों के नेतृत्व में, सशक्त नेतृत्व में देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने उठ किया है और विकास को देखते हुए और सुरक्षा न्याय पालिका जो इनका उस पर विश्वास करके वोटिंग किया और आगे भी करते रहेंगे। विकास और सुरक्षा बड़ा मुद्दा रहा है सर, आप क्या? हमारे हिसाब से वही है, विकास का मुद्दा है। और ये जो गंदी राजनीति जो कर रहे हैं ना, अब कम से कम आप समझ जाए कि ये सब नहीं चलेगा, काम करोगे तो वोट मिलेगा। विधायकों को सबक मिला होगा इस पूरे चुनाव में, इसमें तो सारे विधायक आ गए, जिन लोगों मतलब ये बीजेपी ने भी कुछ लोगों को नहीं दिया था, उसका कारण भी यही था, काम करोगे तो मिलेगा, काम करना पड़ेगा। सर आपका क्या, सर क्या कहेंगे इस विजय को? महाविजय कहेंगे, और बाबा की कृपा है कि ऐसे हमारे भारतवर्ष को प्रधानमंत्री मिले हैं और दोबारा मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बनेंगे। तो देखिए यहाँ पे चाय के इस दुकान पे चर्चाएं खूब हुई, चुनाव समाप्त हुआ, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी बन के उभरी, और अब सबका कहना है कि काम करना होगा। और जिस तरह से बाबा ने बुलडोजर और 80-20 का नारा दिया, वो सफल होता दिखाई दे रहा है, और अब विकास होगा, अपराधियों पर कार्रवाई होगी, और सरकार पुनः एक बार अच्छे काम करके जनता के बीच में जाएगी। एशिया नेट न्यूज़ से अनुज तिवारी, बनारस।